राकेश अस्थाना डीएसपी देवेंद्र कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने एफआईआर को हरी झंडी दी है। राकेश अस्थाना की अंतरिम राहत को दिल्ली हाईकोर्ट ने खत्म किया है। कोर्ट ने सीबीआई को 10 हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। मनोज प्रसाद की याचिका भी खारिज की गई है, यानी कि अब गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। एफआईआर जो खारिज की जाए इसे लेकर याचिका दायर की गई थी वो हाईकोर्ट की तरफ से रद्द कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले अस्थाना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी जिसे आज कोर्ट ने हटा दिया है। यानी कि ये क्या माना जाए, गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। ये कहा कि कानून के सामने सभी बराबर हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि भले ही याचिकाकर्ता एसआईटी का हेड हो लेकिन यहां पर सवाल कानून का है। कोर्ट ने कहा कि अस्थाना पर रिश्वत लेने दबाव डालने का आरोप है, ऐसे में इसकी जांच होनी ही चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्टर 17A यहां लागू नहीं होता क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार, रिश्वत और दबाव डालने का आरोप है। फैसले के बाद अस्थाना के वकील ने कोर्ट से कहा है कि उन्हें 2 हफ्ते का प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने प्रोटेक्शन को लेकर किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया। इसका मतलब ये साफ है कि राकेश अस्थाना पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी हुई है, गिरफ्तारी पर रोक नहीं है, यानी कि गिरफ्तारी कभी भी अस्थाना की हो सकती है। डीएसपी देवेंद्र कुमार की तरफ से याचिका जो दायर की गई थी, दोनों ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी और उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए सीबीआई को कहा है कि 10 हफ्ते में जांच पूरी की जाए और उसकी डिटेल रिपोर्टिंग दी जाए। जी हां, सीबीआई में नंबर 2 रैंक के अधिकारी हैं राकेश अस्थाना, जिन्हें केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है था। कोर्ट ने कहा इस मामले में एफआईआर करने से पहले हायर अथॉरिटी की इजाजत जरूरी नहीं थी और अब एफआईआर बरकरार रहने वाली है। और इस पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधा बुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी आशीष, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, राकेश अस्थाना को लेकर क्या डिटेल्स? ए, क्या कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है? बी, अब उनके पास रास्ता क्या है? देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि पहला, राकेश अस्थाना के खिलाफ जो जांच चल रही है वो जांच चलती रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में दरअसल राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र ने जो याचिका दाखिल की थी उसमें अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने यहां पर सेक्शन 17A का हवाला दिया था और कहा था कि जो सेक्शन 17A में हमें सहूलियतें दी जाती हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, जो सहूलियतें हैं उनका वो फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि सेक्शन 17A वहां लागू नहीं होगा जहां करप्शन, रिश्वत मांगने का आरोप हो। दूसरी अहम बात कि राकेश अस्थाना अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में डबल बेंच में क्रिमिनल जो पिटीशन है वो चैलेंज नहीं होती। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में या तो वो शनिवार को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करें और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जल्द सुनवाई की गुहार लगाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ही याचिका दाखिल कर अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करें। लेकिन इतना तो साफ हो गया है आज जो दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो टिप्पणियां की कि भले ही आप एसआईटी के हेड हो, भले ही आप पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। और कोर्ट के कहने का मतलब यही था कि देश और कोर्ट कानून से ही चलता है। अब यानी इसका मतलब साफ है कि राकेश अस्थाना के जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी। 10 हफ्ते का समय यहाँ पर 10 हफ्ते का समय दिया है सीबीआई को कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए और 10 हफ्ते के भीतर सीबीआई। चलिए आशीष, इसी बीच एक और खबर हमारे पास, बड़ी खबर।